भाई लैपटॉप निकाल ना जल्दी से, रिजल्ट आ गया। इस वाले का तो काफी वेटेज था ना। छोड़ दे यार पेपर का, मेरा तो बेकार ही गया था, नंबर नंबर ढंग से आने में। तू ही निकाल दे लैपटॉप, चेक कर ले और मेरा भी देख लेना, बस पास फेल इतना बताना, बाकी मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा, इतना रद्दी पेपर था। लैपटॉप तो मैंने लिया नहीं ना, तब भी लाइब्रेरी में जाके पढ़ लेता था मैं, लैपटॉप रिलेटेड कुछ काम होता था तो, इसलिए मैंने लिया ही नहीं। रिजल्ट चेक करके, अच्छा ठीक है, बस मैं तेरा ही नहीं देखूंगा। ओके यार मैं क्या ही देखूं पेपर, मेरा तो बेकार ही गया था, और ना वैसे भी मैं लैपटॉप नॉट वर्किंग फ्रॉम द पास्ट वीक, सो आई हैव टू गेट दैट रिपेयर्ड, उसके बाद ही हो पाएगा यूज सही से। यार, ऐसे मत कर यार, मैंने कल ही तुझे अपने लैपटॉप पे काम करते हुए देखा था। प्लीज बस 2 मिनट लगेंगे। 4 बजे मुझे भी जाना था अभी, तो फिर मैं आके बात करता हूँ। बाय। अरे मांगे 3 मिस कॉल्स। हाँ मोहन बेटा, क्या हुआ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सब जी बाबूजी, वो फोन यही भूल गए थे इसलिए नहीं उठाया। ठीक तो है ना? और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी, कोई दिक्कत तो नहीं है? जी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। अच्छा बाबूजी, हम ले हेलो। हाँ बाबूजी, आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। तो हम ये कह रहे थे कि अगर तुम्हारे कॉलेज वाले पैसा मांगे या तुमको पैसे की जरूरत लगे तो हमसे बोल देना, हमने तुम्हारी पढ़ाई के लिए लोन की बात कर ली है, और अगर भगवान की कृपा होगी तो मिल भी जाएगा। नहीं बाबूजी, फिलहाल तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, पर जब भी होगी हम आपको बता देंगे। अच्छा बेटा तो अब सो जाओ, कल सुबह जल्दी भी तो उठना है। जी बाबूजी, बस सोने ही जा रहे थे। जी रखते हैं, प्रणाम। हेलो ब्रो। पहचाना मुझे, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त यश। अच्छा हाँ, और भाई कैसा है तू? हाँ मैं तो बढ़िया हूँ, सुना आजकल तो दिल्ली में रह रहा है। हाँ भाई, यहाँ डीटीयू से बीटेक कर रहा था। तू बता, तू क्या कर रहा है आजकल? अरे क्या बताऊँ ब्रो, मैं तो लग्जूरियस लाइफ जी रहा हूँ, काम कम है पैसे ज्यादा हैं। काम कम है और पैसे ज्यादा है, ऐसा क्या कर रहा है तू? अरे ऐसी स्कीम हाथ लगी है, 25 का होते होते मल्टी मिलियनेयर बन जाएगा, सुबह शाम घिसानी भी नहीं पड़ेगी और मेरी तरह ऐश की जिंदगी जिएगा, ऐश की। अच्छा सही में? अरे भाई भाई मुझे भी बता, ऐसी क्या स्कीम है? अरे बस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, तूने कुछ लोगों को जोड़ना है, फिर वो आगे और लोगों को जोड़ेंगे, ऐसे करते करते हमें पूरे देश को जोड़ना है ब्रो। नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आखिर करना क्या है इसमें? अरे कोई बात नहीं ब्रो, कल तुझे अपने बॉस से मिलवाता हूँ, सब समझा देंगे तुझे। ठीक है। तो गाइस, हम सबको पता है कि हमारा धंधा गंदा है, लेकिन धंधा तो धंधा है। तो बताओ कितने फ्यूचर मिलियनेयर जोड़े सबने इस महीने? अरे सर,
मैंने तो फ्यूचर मिलेनियर्स की लाइन लगा दी है, एक ही महीने के अंदर पूरे 10 फ्यूचर मिलेनियर्स पकड़े हैं। सर इसमें तो बस 10 जोड़े हैं, मैं तो 20 जोड़ लाया। तुम ज्यादा ना चौड़ो, हमारे टाइम पे हम एक महीने में सैकड़ों पकड़ा करते थे। अरे सर आप इतना टैलेंटेड कहाँ, आजकल तो इतने बकरे फंसते भी नहीं है। अरे ढूंढो तो सही, ढूंढने से तो भगवान ही मिलते हैं, ये बकरा बकरा क्या चीज है, सब मिलेगा। हाँ सर करते हैं कोशिश। सर ये नया बंदा यश एक और नया बकरा पकड़ के लाया है, बढ़िया चल रही है सर इसकी भी परफॉर्मेंस, इसे भी इनर सर्कल में ले ले क्या? दिमाग नहीं है तो क्यों लगाते हो, तुम्हारे हिसाब से चला तो आ गई मेरी लैम्बोर्गिनी सियान इस महीने, एक महीना हुआ नहीं यश को आई और इनर सर्कल में जुड़ लू। अरे यार तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, मुझे पता है किसे कब कहां जोड़ना है। चलो जा फूटा यहां से, अंदर भेजो उसे। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मेरी फरारी कल तक डिलीवर हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो तो आई नहीं। आपको पता है ना मेरे सारे टीम मेंबर्स आपसे ही कार लेते हैं, लेकिन आप फिर भी हर बार लेट करते हो। अरे ये कोई बात नहीं होती, देखो ठीक है अब सुन लो, कल तक कार डिलीवर हो जाए वरना मैं तुम्हारे सीनियर मैनेजर शिकायत करूंगा अब तुम्हारी, अब फिर बात होगी सीधी सीईओ टू सीईओ, और फिर तुम गरीब मरोगे उसमें, और फिर मेरे पास यहीं आके रोओगे। ऐसा है अब कल तक कार डिलीवर हो जाए, काम करो जाके, रखो फोन अब। आओ गाइस बैठो। छोटू इन बकरों के लिए कॉफी, सर के लिए चाय कॉफी लाओ। और यश कैसे हो? आई सॉ योर परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ लास्ट मंथ, इट वाज डैम फैबुलस, आई वाज रियली फैसिनेटेड बाय द जॉब यू आर डूइंग, आई होप यू कैरी ऑन द एंथुसियाज्म फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ग्रेट वर्क मैन, ग्रेट जॉब। अरे सर सब आपकी गाइडेंस का कमाल है ये तो। अरे कहाँ, ये सब तो तुम्हारी हार्ड वर्क का रिजल्ट है, ऐसे ही मेहनत करते रहो, कुछ सालों बाद मेरी तरह बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमोगे। अब देखो कल ही मेरी फरारी डिलीवर होनी है, नहीं देख लो तुम। थैंक यू सर, थैंक यू मीन्स अ लॉट। सर ये मेरा बचपन का दोस्त मोहन, इसको हमारी कंपनी में काफी इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा सीधा आपसे ही बात करवा दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है यश। और मोहन अपने बारे में कुछ बताओ। सर मेरा नाम मोहन है, मैं यूपी झांसी का रहने वाला हूँ और इसी साल मैंने डीटीयू में एडमिशन लिया। अच्छा और आपके पिताजी क्या करते हैं? जी सर पिताजी की एक छोटी सी परचून की दुकान है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे मेहनती लोगों की हमें सख्त जरूरत है। हाँ सर पूरी जी जान से मेहनत करते रहे, फिर ऊपर वाले की कृपा है, रिजल्ट अच्छा आ गया। अगर ऐसी मेहनत करते रहे तो चंद सालों में चांद पे होगे तुम। थैंक यू सो मच सर। आप थैंक यू मत करिए, बल्कि आप तीन और लोगों की मदद करिए और उनसे कहना कि वो तीन और की मदद करें। आप तीन की करेंगे, वो तीन और तीन की करेंगे, यार ऐसे दुनिया बदल जाएगी, मैं बता रहा हूँ। यार देखो ऐसा है, समाज की स्थिति बहुत गंभीर है, अब हर किसी की बस तो है नहीं कि वो दुनिया बदल दे, तो हम जैसे कुछ अमीर लोगों ने ही फैसला किया है कि हम ही प्रयास करते हैं। अब यश तुम बताओ क्या तुम्हारी औकात है कि तुम दुनिया बदल सको? अरे नहीं है ना, तभी तो तुम हमारा साथ दे रहे हो। ऐसे ही मोहन जी आप भी हमारा साथ दीजिए, हम मिलके दुनिया बदल सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। वाह सर वाह, क्या उच्च विचार हैं आपके, मैं तो कहता हूँ आप पुरुष ही नहीं है महापुरुष है महापुरुष। मैं अभी दुनिया का सबसे महंगा आदमी हूँ, अभी एक सेमिनार का चार्ज मेरा कुछ 45 लाख रुपए है और GST अलग से लगती है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, तो वो चीज है। चलो फिर ठीक है सर अब हम चलते हैं, आपकी गाइडेंस के लिए बहुत बहुत थैंक यू। गांव बसानी भिखारी पहले आ गए, आता जाता कुछ है नहीं इन्हें, चले हैं अम्बानी बनने, मिलियनेयर बनेंगे। लगा मेरे बॉस का जलवा, IIT भागलपुर टेक्सटाइल से ड्रॉप आउट है ये, और तब जाके यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं तो एकदम सर का फैन हो गया यार। अच्छा अब सर भाई तू मुझे बता करना क्या है आखिर?
एक काम करता हूँ, यहाँ तो मेरे दोस्त है नहीं, जो मेरे पुराने दोस्त हैं मैं उनको ही जोड़ लेता हूँ इस स्कीम में। बढ़िया, उनका भी फायदा हो जाएगा, मेरा भी फायदा हो जाएगा। अभी बात करता हूँ। अरे यार, मैंने यश के कहने पे कंपनी में पैसे तो इन्वेस्ट कर दिए, पर पैसे डूब गए ना, तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा यार। अरे वाह, 15,000 इन्वेस्ट किए और 3,000 का रिटर्न। एक काम करता हूँ, यश से और बात कर लेता हूँ। हाँ ब्रो, बोल क्या हुआ। अरे भाई यश, अभी अभी मेरे पास मैसेज आया, पहले महीने में 3,000 का रिटर्न। यार ये तो बहुत सही चीज है यार। अरे वाह, मैंने तो कहा ही था बिल्कुल सही चीज है ये तो शुरुआत है, अभी ऐसे ही करता जा और लोगों को जोड़, और फायदा मिलेगा तुझे। अच्छा भाई, मैं सोच रहा था घर हुआ हूँ, काफी वक्त हुआ घर गए। हाँ ब्रो, हुआ घर, इंजॉय कर। जीते रहो, खूब तरक्की करो। प्रणाम। बड़े दिनों बाद आना हुआ घर पे। नहीं पिताजी, वो वक्त ही नहीं मिलता है, पढ़ाई का बोझ इतना है। हाँ मैं समझ सकता हूँ, चलो हाथ मुंह धो लो, फिर साथ में खाना खाते हैं। पिताजी जरा टीवी खोलेंगे, समाचार देख लें आज के। बेटे, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पर माँ, हाँ? मेरी त्वचा। दीदी, इंस्टेंट फेयरनेस चाहिए? तो ये लो। ये? साधारण क्रीम असर दिखाए 5 दिनों में, पर बजाज CFL से पाइए बस 1 सेकंड में उजला गोरा रंग। बजाज CFL सब कुछ रोशन कर दे। नमस्कार दोस्तों, गोदी टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम केसरी लुटेरा। आगे देखेंगे आज की बड़ी खबर, MLM के दलदल में फंसे मासूम लोग। आखिर क्या गलती थी इन मासूम लोगों की, ध्यान से देखिए इस लालची दरिंदे को। 20 करोड़, जी हाँ, पूरे 20 करोड़ लेके भागा ये शख्स, जिसका नाम है विमल देवगन। इन मासूम लोगों और बच्चों ने तो इस पे विश्वास करके अपने और अपने बाप की सारी पूंजी लगा दी, पर इन्हें कहां पता था कि ये शख्स इनके पैसे लेकर भाग जाएगा। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखेंगे क्या है ये MLM, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम। अरे देख के जरा, रुको रुको, मैं कपड़ा लेके आता हूं। बेटा उठना जरा, यहाँ का भी पानी पोंछना है। मोहन, मोहन। हाँ, क्या हुआ, कहाँ खोए हुए हो? कुछ नहीं भेजा दिया हम तो, बस ऐसे ही। मैं सब कर देता। हो गए आप तो। वैसे न्यूज देखी ना तुमने, आजकल ऐसे ही बहुत सारे स्कैम में बच्चों को फंसाया जा रहा है। पता नहीं 18-19 साल के लड़के कैसे ऐसी पेतू की बातों में आ जाते हैं। यश को कॉल ही कर लेता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपके भी आ जाएंगे। हाँ जी ठीक है। हेलो,
हाँ ब्रो। भाई आज तो 8वां दिन हो गया, अब तक पैसे नहीं आए। तेरे पैसे आ गए क्या? अरे नहीं यार, मेरे भी कहाँ आए। हाँ रुक, मैं बात करता हूँ आगे। अच्छा हाँ तो फिर हेलो हेलो कट गया। ये भगवान क्या होगा। हेलो हेलो सर, मैं सलमान बोल रहा हूँ। मैंने आपकी कंपनी में प्रोडक्ट लिया था जिसमें लोगों को जोड़ने से पैसे मिलते हैं। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, वो सुनने में आया कि कंपनी डूब गई है, फाइनेंशियल क्लेम तो मिल जाएगा ना? अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, कौन डूब गई, कैसे डूब सकती है? सर आपकी कंपनी में मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। अरे सर न्यूज में जरूर आपने किसी दूसरी कंपनी का देखा होगा, हमारी कंपनी एकदम जेन्युइन और सच्ची है। अबे ये तो दिल्ली के बच्चे बच्चे को पता है कि तेरी कंपनी डूब गई है, और आपको मेरे सामने सफेद झूठ बोले जा रहे हो, कुछ तो सम करो। अरे सर जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है, आप निश्चिंत रहिए आपका पैसा एकदम सही सलामत है। झूठ की भी हद है यार, पहले तो मुझे लगा था तेरे भी पैसे होंगे तो मैं बस पूछ रहा था, अब मुझे लगा तू जैसे मकारों से मुझे अपने पैसे निकलवाने ही होंगे। चुपचाप मेरे पैसे दे दे वरना ये बात पुलिस तक चली जाए। अरे अरे सर ऐसा मत करिए, पुलिस को क्यों बीच में ला रहे हैं? मुझे वो सब नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए वरना ये बात पुलिस तक चली जानी है। कब से कर रहे हो ये सर? जी 1 महीने से। चलो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, कोई बात नहीं। पता है बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी हमेशा छोटे और आसान रास्ते पे ही चलने की सोचता था। मुझ पर ही बस यही धुन सवार रहती थी, कैसे कम से कम समय में ज्यादा पैसे कमा लूं, कम से कम समय में अमीर आदमी बन जाऊं। और सच बताऊं तो सोच में कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन दिक्कत इस चीज में है, जब इंसान समय से पहले चीजों को पाने के लिए उन रास्तों पर चलने लग जाता है जिसकी उसको समझ भी नहीं, और वह यह मानने लग जाता है कि इसको सारा अनुभव है, तब उसकी वह चाह उन्नति को छोड़ बर्बादी की संगिनी बन जाती है। खूब कहा है बड़ों ने, समय के बाद और तकदीर से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बेटा अब ये बस निराश होने का नहीं, सबक लेने का। अपनी गलतियों से सीखो, अपने अंदर की आग को फिर जलाओ, परिश्रम से कर्म रूपी भूमि को सींचो, और आज तुम्हारी जो सफलता बंजर जमीन बनके तुम्हारे आत्मविश्वास को डिगाने में लगी है, कल वही खिलखिलाती हुई जमीन बनकर तुम्हारे परिश्रम का प्रणाम देगी।